दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आज का दिन अहम है। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। केजरीवाल की 10 गारंटी के जरिए आम आदमी पार्टी एमसीडी की सत्ता हासिल करने की कोशिश करेगी। पंद्रह साल से दिल्ली नगर निगम पर कब्जा जमाए बीजेपी को बेदखल करने की कवायद में जुटी आम आदमी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें एमसीडी चुनाव के लिए केजरीवाल की 10 गारंटी कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा। सबसे बड़ा आज जो चैलेंज है एमसीडी में वो कूड़ा है, कूड़े के पहाड़ है। इस वार रूम ने जो गाजीपुर, भलसवा और ओखला में कूड़े के पहाड़ है उनको अपने टारगेट के रूप में रखा है कि इस बार परिवर्तन लाना है और कूड़े के पहाड़ को हटाना है। इससे पहले पंजाब विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटी का फॉर्मूला अपनाया था और उसे सफलता भी मिली थी। इसलिए अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनाव में भी 10 गारंटी अभियान के जरिए दिल्ली की जनता का वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि वो एक गारंटी पत्र जारी करेंगे। पहले तो गारंटी देकर भागते थे, गारंटी पूरी हुई नहीं, अब तो गारंटी देने से भी भाग गए। सभी को पक्का मकान दूंगा ये भी इन्हीं के वायदे में है, आप ढूंढ भी सकते हैं, ये इनके बुलेट पॉइंट है 10, पिछले चुनाव के टाइम के हैं ये। सभी को पक्का मकान, एक मकान बताइए दिल्ली के अंदर, दिल्ली शहर के अंदर। एमसीडी के 250 वार्डों के लिए वोटिंग 4 दिसंबर को होगी और नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। इस चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 7 नवंबर को शुरू हुई जो 14 नवंबर तक चलेगी। अब तक 7 स्वतंत्र उम्मीदवारों के नामांकन ही दाखिल हुए हैं। सार्वजनिक अवकाश की वजह से 12 और 13 नवंबर को नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे, इसलिए 14 नवंबर को नामांकन केंद्रों पर भीड़ होने की संभावना है, जिसे देखते हुए पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली नगर निगम पर 2007 से बीजेपी का एक छत्र राज रहा है। केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इस बीच एमसीडी ने एक अहम फैसला किया है, जिसके तहत दिल्ली के लोग 17.5 मीटर की ऊंचाई तक अपने घर का नक्शा पास करवाकर निर्माण करवा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।